गया है। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। थाना रामचंद्र मिशन पुलिस ने प्रतिबंधित सर्प की तस्करी करते हुए दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। दिनांक 22/11/2021 को थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम के साथ संयुक्त चेकिंग के दौरान अभियुक्तगढ़ राहुल रस्तोगी पुत्र उत्तम लाल निवासी 25/392 काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली शाहजहाँपुर, मयंक पौर्य पुत्र आशाराम निवासी नई बस्ती थाना रामचंद्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर को मैं मोटरसाइकिल बिना नंबर सफेद रंग की हीरो एक्सट्रीम से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से डिब्बे में एक सांप बोवा दो मुहा अहिरिन बरामद हुआ, जिससे संबंध में थाना रामचंद्र मिशन पर मुकदमा अपराध संख्या 404/21 धारा 9/51(1), 44/49(b) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 41/42 भारतीय वन अधिनियम 1927 पंजीकृत कर व मोटरसाइकिल को 207 MV के एक्ट में सीज कर अभियुक्त गढ़ो के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेजा गया। बरामदगी एक सांप बोवा दो मुहा अहिरिन। पूछताछ का विवरण, अभियुक्त गढ़ो से पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग एक सांप बोवा दो मुहा अहिरिन जंगलों से पकड़कर सीतापुर में बेचने के लिए मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी आप लोगों ने पकड़ लिया तथा सांप की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट अरुण कुमार सिंह, मंडल ब्यूरो चीफ, लखनऊ।